अगर आपको मटन बनाना नहीं आता है, आपने पहले कभी मटन नहीं बनाया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मटन बनाना बताऊंगी, बहुत ही कम सामग्री में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये मटन बनके तैयार हो जाएगा, और जिनके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं वो भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हेलो एंड वेलकम टू श्रेष्ठ किचन। आज मैं बना रही हूँ होली स्पेशल बिहारी स्टाइल धासू मटन। वैसे तो मटन हमेशा ही अच्छी लगती है, लेकिन ये स्पेशली होली के अवसर पे मालपुए के साथ खाई जाती है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज लगती है। होली वाले दिन बिहार के घर घर में इसी तरीके का मटन बनाया जाता है और उसे मालपुए के साथ खाया जाता है। बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप भी इसे ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर हर तरह के वीडियोज़ आते हैं। होम डेकोर की वीडियो आती है, किचन की रिगार्डिंग वीडियो आती है, रेसिपीज़ की वीडियो आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर तरह के वीडियोस का आनंद लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा केजी मटन लिया है। मटन को अच्छी तरह से धो के निकाल लिया है और इसमें मिलाएंगे एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक स्वाद के अनुसार मिलाएंगे, और लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और साथ में मिलाएंगे तीन चार चम्मच सरसों का तेल। सबको अच्छी तरह से मिला देंगे और आधे घंटे के लिए इसको ढक के ऐसे छोड़ देंगे। जब तक आधा घंटा होता है तब तक मैं यहाँ पे प्याज काट ले रही हूँ। यहाँ चार से पाँच बड़े साइज़ का मैंने प्याज काट लिया है और तेल गरम होने के लिए रख दिया है गैस पे। इस तरह से अगर आप मिला लेंगे तो साइड में चिपकेगा नहीं। साथ में मिलाया है जीरा, लाल मिर्च और जो प्याज काट के रखा था उसको डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को भूनेंगे। प्याज को खूब ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बिल्कुल जब ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तब तक भूनेंगे। तीन से चार मिनट तक भूनेंगे। जब तक प्याज भून रहा है तब तक यहाँ पर मैं गरम मसाला बना ले रही हूँ। होममेड अगर आप गरम मसाला डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ऐसे जो खड़े गरम मसाले बाज़ार में मिलते हैं, लौंग, इलायची, फुल चकरी, दालचीनी वगैरह, सबको मिला के आप पीस लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया और प्योर गरम मसाला होता है। और जो मसाला डालेंगे, सिंपल मसाला जो आपके घर में है, अगर आपके पास मटन मसाला है तो वो डालिए। मैं यहाँ पर डालती हूँ धनिया, जीरा और काली मिर्ची का पाउडर, और इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे। इस तरह से जब ये फूल जाता है मसाला तब इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। भूनते भूनते ये देखिए तीन चार मिनट हो गए हैं। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं भूना है मैंने, बिल्कुल इसी तरह का प्याज चाहिए। जब आपको ये बिल्कुल दिखे कि ट्रांसपेरेंट हो गया है, बस उसी समय में इसमें आप मटन मिला दीजिए। मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था। आधे घंटे के लिए रख देने से क्या होता है कि उसके अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी सब अंदर तक चली जाती है। जब आप खाएंगे तो अंदर तक उसमें नमक मिलेगा। कई बार आप जब खाते होंगे तो पीस के अंदर नमक नहीं जा पाता है। यहाँ पे मटन डाल दिया है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे। अभी इसको आराम से भूनना है, 15 से 20 मिनट के करीब इसको भूनेंगे। भूनते भूनते ये बहुत हद तक पक जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्स्चर है। और अब इसमें मिला देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप शुरू में अदरक लहसुन मिला देंगे तो वो चिपकने लगेगा कढ़ाई में, तो मैंने शुरू में कुछ भी नहीं मिलाया था। और अब मैं यहाँ पे मिला दी अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, क्योंकि प्याज वगैरह में तो मैंने कुछ भी नहीं डाला था। जो नमक हल्दी डाली थी वो मटन में डाली थी। तो अब ग्रेवी के लिए और प्याज के लिए, सबके लिए नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर। और ये जो मसाला मैंने ढक के रखा हुआ था वो अभी नहीं डालेंगे, अब इसको भूनेंगे। ये देखिए भूनते भूनते इसका कलर कुछ इस तरह का हो गया है। तकरीबन 20 मिनट हो गया है मुझे भूनते भूनते। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। जितना अच्छा मटन और मसाला को साथ में भूनेंगे आपका जो मटन है वो उतना ही बढ़िया बनेगा। और अब ये देखिए मसाला कितना अच्छे तरह से मेरा फूल गया है। और अब मसाला डाल देंगे।
मसाला डाल के अच्छे तरह से मिला देंगे और अभी थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। मसाला डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो मसाला जो होता है वो जल जाता है। मसाले की कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें डाल दिया कढ़ाई में और इसको थोड़ा सा चला देंगे और थोड़ा सा पानी सा हो गया है इसको थोड़ा सा सुखा लेंगे। बस इतने ही देर तक इसको हमको भूनना है। ये देखिए अब नीचे से लगने लगा है और तेल सेपरेट होने लगा है। अब इसी समय में क्या करेंगे, हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। मटन को पकने में काफ़ी टाइम लगता है तो अब इसको क्या करेंगे, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी कुकर में ताकि फटाफट से पक जाए। कुकर में डाल देंगे और कढ़ाई धो के जो पानी निकला वो भी डाल देंगे कुकर में और अब मिला देंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डाल दिया, अब इसको गैस पे चढ़ा देंगे हाई फ्लेम पे। एक सीटी आने तक इसको पहले पकाएंगे और एक सीटी जब आ जाएगी तो फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। और जब पक जाए तो एक बार चेक, खाना खाने से पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि ये पका है कि नहीं, क्योंकि साइज़ के ऊपर होता है, कोई जल्दी पक जाता है कोई टाइम लगता है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये देखिए खुल गया कुकर, अब मैं इसको निकाल के एक बार पहले चेक कर लेती हूँ फिर परोसती हूँ। सर्विंग कढ़ाई में मैंने डाल दी है, आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी पराठा नान जिसके भी साथ खा सकते हैं। होली के उपलक्ष्य में हम लोग इसे मालपुए के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस होली पे इस तरीके का मटन आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप देख सकें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।